एवरीवन, कार्ड अकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक्सिस बैंक के 3 टॉप कैशबैक कार्ड्स का कंपैरिजन करने लगे हैं और ये कार्ड्स हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस, एक्सिस एस और एयरटेल एक्सिस कार्ड्स। इस पर हमने बहुत पहले भी एक वीडियो बनाई थी, बट आज हम देखते हैं कि 2023 के अंत में ये कार्ड्स कैसे हैं। हम इन कार्ड्स का डिटेल में कंपैरिजन करेंगे और एंड में आपको बताएंगे कि कौन सा कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेट्स बिगिन। चलिए स्टार्ट करते हैं इन कार्ड्स की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी के साथ। तो तीनों कार्ड्स की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी 500 रुपये प्लस टैक्सेस है और एक्सिस एस की ज्वाइनिंग फी रिवर्स हो जाती है अगर आप कार्ड इश्यू होने के 45 दिन के अंदर 10,000 रुपये का खर्चा करते हैं। तो बाकी दोनों कार्ड्स में कोई एज सच ज्वाइनिंग फी रिवर्सल का क्राइटेरिया नहीं है। अगर हम रिन्यूअल फी वेवर की बात करें तो फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड पर अगर आप 1 साल में 3.5 लाख रुपये का खर्चा करते हैं तो आपके अगले साल की रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है, जबकि एस और एयरटेल कार्ड्स के केस में आपको 1 साल में 2 लाख रुपए का खर्चा करना होगा रिन्यूअल फी वेवर के लिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि तीनों कार्ड्स के केस में रेंट पेमेंट्स और वॉलेट लोड्स के खर्चों को नहीं कंसिडर किया जाता रिन्यूअल फी वेवर के स्पेंस कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर हम वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड पर कार्ड इश्यू होने के 30 दिन के अंदर पहली ट्रांजेक्शन पर एक फ्लिपकार्ट का 500 रुपए का वाउचर मिलता है। इसके बाद अगर हम एक्सिस एस की बात करें तो एक्सिस एस का वेलकम बेनिफिट फिक्स्ड नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। जैसे कि आजकल कार्ड इशू होने पर 500 रुपए का कैशबैक मिल रहा है। एंड में अगर हम एयरटेल एक्सिस कार्ड की बात करें तो आपको कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर पहली ट्रांजैक्शन करने पर एक 500 रुपए का अमेज़न का वाउचर मिलता है। अब अगर हम इन कार्ड्स के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो वो तीनों कार्ड्स पर एक सेम ही बेनिफिट मिलता है, जो कि है कि आपको 1 साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ 6 एयरपोर्ट पर कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट्स मिलती हैं और वो 6 एयरपोर्ट्स हैं बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई। ये कार्ड्स कोई लाउंजेस के लिए नहीं लेता, बट इन कार्ड्स के कैशबैक के लिए लेता है, जिन्हें अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करते हैं। आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड पर बेस कैशबैक 1.5% मिलता है, लेकिन आपको फ्यूल, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट से गिफ्ट कार्ड परचेजेस, EMI ट्रांजैक्शंस, वॉलेट लोड्स, ज्वेलरी, इंश्योरेंस, रेंट पेमेंट्स, यूटिलिटीज, एजुकेशन पेमेंट्स, गवर्नमेंट पेमेंट्स और कैश विड्रॉल पर कोई कैशबैक नहीं मिलता है। कुछ प्रेफर्ड मर्चेंट्स हैं जो कि हैं क्लियर ट्रिप, कल्टफिट, PVR, स्विगी, टाटा प्ले और ऊबर। इनकी पेमेंट्स पर आपको 4% कैशबैक मिलता है और फ्लिपकार्ट के स्पेंड्स पर आपको 5% कैशबैक मिलता है। इसके बाद अगर हम एक्सिस एस कार्ड की बात करें तो उस कार्ड का बेस कैशबैक है 2%, लेकिन आपको फ्यूल, EMI ट्रांजैक्शंस, वॉलेट लोड्स, ज्वेलरी, इंश्योरेंस, रेंट पेमेंट्स, एजुकेशन पेमेंट्स, गवर्नमेंट पेमेंट्स और कैश विड्रॉल पर कोई कैशबैक नहीं मिलता है। इसके अलावा आपको स्विगी, जोमैटो और ओला पर 4% कैशबैक मिलता है और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स जैसे कि फोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ब्रॉडबैंड बिल पेमेंट्स और मोबाइल फोन रिचार्जेस पर आपको 5% कैशबैक मिलता है। पर ये कैशबैक आपको तभी मिलता है जब आप इनकी पेमेंट गूगल पे ऐप के थ्रू इस कार्ड से करेंगे। तो एक और बात नोट करें कि 4% और 5% कैशबैक वाली कैटेगरी में एक स्टेटमेंट साइकिल में टोटल कैशबैक पर 500 रुपए का अपर कैप है। अब लास्ट में एयरटेल एक्सिस कार्ड की बात करें तो इस कार्ड का बेस कैशबैक रेट है 1%, लेकिन आपको फ्यूल, EMI ट्रांजैक्शंस, वॉलेट लोड्स, ज्वेलरी, रेंट पेमेंट्स और कैश विड्रॉल पर कोई कैशबैक नहीं मिलता है। इसके अलावा स्विगी, जोमैटो और बिग बास्केट पर आपको 10% कैशबैक मिलता है। इन पे कंबाइंड 1 महीने में 500 रुपए का कैशबैक का अपर कैप है। बाकी एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू इस कार्ड से यूटिलिटी बिल पेमेंट्स जैसे कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स पर आपको 10% कैशबैक मिलता है। इस कैटेगरी में कैशबैक पर 300 रुपए का अपर कैप है 1 महीने में। और लास्ट में एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू इस कार्ड से एयरटेल मोबाइल, ब्रॉडबैंड, वाईफाई और DTH बिल पेमेंट्स पर 25% कैशबैक मिलता है। इस कैटेगरी में भी कैशबैक पर 300 रुपए का अपर कैप है 1 महीने में। तो ये थे इन कार्ड्स के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। अब अगर हमारे ओपिनियन की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ फीस एक्सिस एस थोड़ा बेटर है, क्योंकि आप अपनी ज्वाइनिंग फी इजीली रिवर्स करवा सकते हो, जबकि फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड का रिन्यूअल फी वेवर का रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है हमारे ओपिनियन में। वेलकम बेनिफिट्स और नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है इन कार्ड्स के। अब अगर हम स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड
अब उतना ल्यूक्रेटिव नहीं रहा है क्योंकि अब आपको मिंत्रा पर 5% कैशबैक नहीं मिलता, सिर्फ फ्लिपकार्ट पर ही 5% कैशबैक मिलता है। लेकिन एक एडवांटेज जो फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड के पास है वो ये है कि इन तीनों कार्ड्स में एक्सिस बैंक ये कार्ड सबसे ईजिली दे देता है। एक्सिस एस कार्ड की बात की जाए तो हमारे ओपिनियन में ये कार्ड का बेस कैशबैक 2% है, जिसका मतलब कि आपको ऑफलाइन स्पेंड्स पर भी 2% कैशबैक मिलता है। ये बहुत से प्रीमियम और सुपर प्रीमियम कार्ड्स के कंपैरिजन में भी बेटर है। तो एस डेफिनेटली रेगुलर स्पेंड्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के केस में भी अगर हम एज्यूम करें कि आप कुछ स्विगी जोमैटो और ओला से कुछ स्पेंड्स नहीं करेंगे तो आपके एक स्टेटमेंट साइकिल में 10,000 रुपये तक के बिल्स पर आपको 5% कैशबैक मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। पर एक चीज़ नोट करें कि ये कार्ड गूगल पे से ही ले सकते हैं, और वो भी तभी जब आपको अपनी गूगल पे ऐप में ये कार्ड शो होगा। हर टाइम आपको ये कार्ड लेने का ऑप्शन जनरली नहीं मिलता। इस कार्ड का अप्रूवल रेट काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू फ्लिपकार्ट एक्सिस। अब अगर हम अंत में एयरटेल एक्सिस कार्ड की बात करें तो अगर आप एयरटेल इकोसिस्टम में हैं तो आपके लिए ये कार्ड नो ब्रेनर है। एयरटेल के एक महीने में 1200 रुपये तक के खर्चे पर आपको 300 रुपये का कैशबैक मिल जाता है। और साथ ही में ये कार्ड यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि महीने के 3000 रुपये तक के यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर आपको 300 रुपये का कैशबैक मिल जाता है। और साथ ही में स्विगी जोमैटो और बिग बास्केट के कंबाइंड महीने के 5000 रुपये तक के खर्चे पर आपको 500 रुपये का कैशबैक मिल जाता है। यानी कि अगर आप ये कार्ड सिर्फ एयरटेल बिल्स, यूटिलिटी बिल्स और स्विगी जोमैटो बिग बास्केट पर खर्चे के लिए यूज़ करते हैं तो आपको टोटल 9,200 रुपये के खर्चे पर 1,100 रुपये का कैशबैक मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। लेकिन इस कार्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एयरटेल की तरफ से काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि आप इस कार्ड के लिए प्री अप्रूव्ड हैं, लेकिन जब आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये कार्ड नहीं मिलता। इस कार्ड का अप्रूवल रेट इन तीनों कार्ड्स में से सबसे कम है। अब अगर हम अपने रिकमेंडेशंस की बात करें तो अगर आपका साल में कम से कम 40,000 से 50,000 रुपये का फ्लिपकार्ट पर खर्चा है तभी आप फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड लें, या फिर आपको एक्सिस एस कार्ड नहीं मिलता तो रेगुलर स्पेंड्स के लिए ये कार्ड ले सकते हैं। बाकी हमारे ओपिनियन में एक्सिस एस कार्ड आपके पास होना ही चाहिए रेगुलर स्पेंड्स के लिए। और अगर आपको एयरटेल एक्सिस कार्ड मिल भी जाता है तो यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए पहले 3,000 रुपये के स्पेंड्स आप एयरटेल एक्सिस कार्ड पर करें और बाकी एक्सिस एस कार्ड पर, और स्विगी जोमैटो और बिग बास्केट के लिए एयरटेल एक्सिस कार्ड यूज कर सकते हैं। तो यही खत्म होता है इन तीनों कार्ड्स का कंपैरिजन। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्रेडिट कार्ड न्यूज अपडेट्स रिव्यूज कंपैरिजन के लिए।